हल्द्वानी में जिला प्रशासन अब शहर के 3 चौराहों पर हुए अतिक्रमण को हटाने जा रहा है। चौराहे चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन अब नवीमन चौराहा, कोल टैक्स और आरटीओ हनुमान मंदिर चौराहे का चौड़ीकरण का कार्य करेगा। इसके आसपास हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रशासन ने अतिक्रमण कार्यों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए भी टाइम दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि यदि निश्चित समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उसे बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा जो नरीमन चौराहा है उसका कुछ भाग अभी रह गया है, जहाँ पर कुछ प्राइवेट स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाए जाने के लिए जो भवन स्वामी है उनको समय दिया गया है। इसके बाद 15 तारीख के पश्चात यदि उनके द्वारा नहीं हटाने का काम प्रारंभ किया जाता है तो उसको बलपूर्वक हटाया जाएगा। इसके पश्चात जो कोल टैक्स है उसको हम अगले फेज में कोल टैक्स को इसमें टेकअप करने वाले हैं और वहाँ पर चिन्हीकरण का कार्य शीघ्र किया जाएगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर के पास चिन्हीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनको भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है, उसके पश्चात इसको भी हटाया जाएगा।